हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं वर्ल्ड फेमस हक्का नूडल्स। नूडल्स हमारे होटल जैसे नहीं बनते। दरअसल होटल में बनाने वाले कुक के बर्नल का साइज बहुत बड़ा होता है और उसमें से फ्लेम भी बहुत हाई निकलती है। कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे नूडल्स भी होटल जैसे बने। बेसिकली इन्हें स्टर फ्राई नूडल्स, बॉयल नूडल को सॉस के साथ या बहुत सी वेजिटेबल के साथ और मीट के साथ स्टर फ्राई किया जाता है। इनकी कुछ खास ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी। इसके लिए पूरी वीडियो ध्यान से देखें। पहली टिप, नूडल बनाते वक्त पानी खूब सारा हो। लगभग एक पैकेट नूडल के लिए 5 से 6 गिलास पानी शुड बी फास्ट बॉइलिंग वाटर होना चाहिए। पानी में 1 से 1.5 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल डाल दें। पानी में बॉईल आ चुका है, अब इसमें 1 पैकेट नूडल्स डालें और 3 से 4 मिनट तक के लिए इन्हें बॉईल कर लें। नूडल्स हमारे पक चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इमीडिएटली 1 बड़ा गिलास इसमें ठंडा पानी डाल दें। नूडल्स को एक स्ट्रेनर की मदद से छान लें और कम से कम 2 से 3 बार ठंडे पानी में इन्हें वॉश कर लें। अनदर टिप, कभी भी फ्रेशली बॉयल नूडल का इस्तेमाल ना करें। नूडल को कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए अलग रख दें। पैन में 2 चम्मच तेल को गरम कर लें। और एक मीडियम साइज की प्याज को हल्का सा सॉटे कर लें। एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालें। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक को चॉप करके भी डाल सकते हैं, जैसा आप चाहें। इसको भी हल्का सा सॉटे कर लें। अनदर टिप, सब्जियां हमेशा स्ट्रिप्स में काटें, पतली पतली और लंबी लंबी। 1 बाउल कैबेज, 1 छोटी ग्रीन कैप्सिकम, 1 छोटी रेड बेल पेपर और 1 कैरेट मोटी कद्दूकस की हुई डालकर इन्हें मैंने सॉटे किया है। याद रहे, हाई फ्लेम पर सब्जियों को टॉस करना है। अगर हम लो फ्लेम पर सब्जियों को टॉस करेंगे तो ये पानी छोड़ देंगी। हमें इन्हें क्रंची बनाए रखना है। अब इन सब्जियों में 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 चम्मच लाल पिसी मिर्च, 1/2 चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इनमें नूडल्स डालेंगे। सब्जियां और नूडल्स 1 चम्मच से मिक्स नहीं हो पाए तो आप 2 चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि सारे नूडल्स, सॉस और वेजिटेबल अच्छे से एक दूसरे में कोट हो जाएं।
एक चम्मच डार्क सोया सॉस, एक चम्मच रेड चिली सॉस, एक चम्मच विनेगर और एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस। इन सबको अच्छे से मिक्स करें। अब लास्ट में 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच टमाटो केचप डालकर इन्हें भी अच्छी तरह से सॉटे करें। यहाँ मैंने गार्निशिंग के लिए 2 से 3 स्प्रिंग अनियंस को स्प्रिंकल किया है। स्टार्टिंग में इन्हें मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि इनका अपना एक कलर बना रहे, इसलिए आप इन्हें पूरी नूडल्स तैयार होने के बाद ही डालें। देखिए, हक्का नूडल हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आइए इन्हें गरम गरम सर्व करते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये नूडल की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुक विद साहिबा पर मैं बहुत जल्दी एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।